नमस्कार। तो आज हम कोटो और कुटकी से मूल्यवान बेकरी गुड्स बनाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आज हम बनाएंगे कोकोनट कुकीज़, और उसमें हमारे इंग्रेडिएंट हैं और रेसिपी है वो हमारे सामने है, जो कि फ्लार है। फ्लार मैदा लेंगे और मैदे में ही हम अपना जो कोटो कुटकी का जो आटा है उसको मिलाएंगे, और डिफरेंट रेशियोज में हम बना सकते हैं। तो हमने जो कोटो कुटकी का आटा है वो हमने 500 ग्राम लिया हुआ है, 500 ग्राम चीनी है वो 250 ग्राम ली हुई है, बटर 250 ग्राम, ऑयल रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे वो है 20 ग्राम, और बेकिंग पाउडर है वो 4 ग्राम लिया हुआ है, 4 ग्राम्स अमोनियम बाइकार्बोनेट लेंगे 1 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर लेंगे 15 ग्राम, और मिल्क पाउडर 100 ग्राम, और कोकोनट पाउडर 50 ग्राम, और कोकोनट एसेंस 15 ग्राम लेंगे, और वाटर आखिरी में 80 ग्राम लेंगे। रेसिपी है, इसको प्लीज़ पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसके बाद फिर हम कैसे कैसे वे करके रखा हुआ है वो भी हमने प्रिपेयर करा हुआ है वो आपको हम दिखाते हैं। आइए, सबसे पहले हमने जो फ्लार लिया है वो 500 ग्राम हमने वे करके रख लिया हुआ है, नाप के हमने 500 ग्राम फ्लार रख लिया है, और उसके बाद फिर बटर है 250 ग्राम, उसके बाद शुगर हमने वे कर ली है, और फिर ये मिल्क पाउडर है, उसके बाद हमने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, और फिर कोकोनट पाउडर लिया हुआ है, कस्टर्ड पाउडर, पानी, रिफाइंड ऑयल। 10 से 15 मिनट बेक करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको कूल कर लेंगे। कूल करने के बाद इनको पैकेजिंग मटेरियल में इसको कूल करने के बाद अपने डिजायर्ड पैकेजिंग मटेरियल में पैक कर लेंगे और सील कर देंगे। धन्यवाद। लेंगे और चीनी लेंगे, उसको हम क्रीमिंग प्रोसेस कर लेंगे, इतना फेट लेंगे जिससे वो एकदम महीन आपस में मिक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाएगी वो, इतना क्रीमिंग करनी है हमको। चीनी और बटर फेटने के बाद अब इसमें हम डालेंगे तेल, रिफाइंड ऑयल, और एक बार फिर से क्रीमिंग करेंगे थोड़ी। और इसके साथ इसी का टेक्सचर पहले से सॉफ्ट होता जाएगा। उसके बाद इसमें पानी डालते हैं और इसको एक बार फिर से क्रीमिंग कर लेंगे। अब इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, और बेकिंग पाउडर। तो डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब ये जो हमारा फ्लार है इसमें हम कोकोनट पाउडर मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि बराबर से मिक्स हो जाए कोकोनट पाउडर फ्लार में। इसके बाद जो हमने मिक्स करने के बाद जो हमने क्रीमिंग करी थी उसमें ये फ्लार मिला लेंगे और डो बना लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक डो नहीं बन जाता है।
हम डो डालेंगे उस पर पहले थोड़ा सा फ्लावर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि वो नीचे स्टिक ना करे। इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे, इसको सही कर लेंगे। डो जो हमने फॉर्म किया है इसको शीटिंग करेंगे, और शीटिंग करने के लिए हम इसको अराउंड रखते हैं 7 mm से लेके 10 mm तक, और स्पेसिफिक साइज हम जो रखना चाहते हैं अपने कुकी कटर से वो हम कट कर लेते हैं। तो पहले इसको हम पहले शीट करेंगे। आगे ले चलते हैं, ये है हमारा डो शीटर। इसमें हम डो शीट करेंगे, जो हमारे स्पेसिफिक mm रखना चाहते हैं उतने mm का हम रख सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको इसमें कहाँ से एडजस्ट करते हैं। ये 10 mm है, ये जो मार्क है ये 10 mm हम दिखा रहा है, हम इसको 7 रखना है तो 9, 8, 7। अभी हम 7 mm का हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कोकोनट पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, हमने शीट बनाने के बाद इसमें कोकोनट पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर दी, ऊपर ऐसे डाल देंगे हल्का हल्का। उसके बाद इसमें एक बार रोलर चला, कुकी कटर से कट कर लेंगे। ये आपके बिस्किट बेकिंग के लिए तैयार। हमने इसको कट कर लिया है, अब इसको हम बेक करेंगे। और बेकिंग का जो टेम्परेचर है वो ऊपर होगा हमारा 180 डिग्री सेल्सियस और नीचे होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और हमने इसको रख दिया है बेक करने के लिए। से 15 मिनट बेक करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको कूल कर लेंगे। कूल करने के बाद इनको पैकेजिंग मटेरियल में, इसको कूल करने के बाद अपने डिजायर्ड पैकेजिंग मटेरियल में पैक कर लेंगे और सील कर देंगे। धन्यवाद।